देखो, जब लिमिट ऐसे समेशन के फॉर्म में रहे तो इसे इंटीग्रल के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसे आप देखो। पहले बात, समेशन को इंटीग्रल के बराबर करना है, ठीक है। उसके बाद वन अपॉन एन को डी एक्स के बराबर, ठीक है। फिर आर अपॉन एक्स को एक्स के बराबर, ठीक है। लोअर लिमिट जो होगा इंटीग्रल का, ठीक है, वो आर अपॉन एन होगा, ठीक है। और ये नीचे वाला वैल्यू होगा जो कि जीरो अपॉन एन एंड लिमिट एन अप्रोचेस इन्फिनिटी होगा, ठीक है। दूसरा, अपर लिमिट वो क्या होगा, अपर लिमिट गे वाली वैल्यू, लिमिट एन अप्रोचेस इन्फिनिटी एन माइनस वन अपॉन एन, ठीक है। अपर जो इसका वैल्यू है वो लिखेंगे, यहाँ पे ये लोअर वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। ये जो होगा आपका लोअर वैल्यू होगा। अब आप देखो इसी का यूज करते हैं, वन अपॉन एन, पहले समेशन है, समेशन को इंटीग्रल लिख दिया, वन अपॉन एन को डी एक्स कर दिया, कॉस ऑफ देखो आर अपॉन एन है तो एक्स कर दिया, और पाई बाई टू टाइम्स एक्स, ठीक है। लोअर लिमिट पुट करो तो ये जो है अपर वैल्यू है, अपर वैल्यू, ठीक है। अब आप देखो लोअर लिमिट पुट किया तो जीरो, तो ये जीरो आएगा, ठीक है। जीरो अपन कोई भी नंबर करेंगे तो जीरो होगा, ठीक है। फिर उसके बाद एन माइनस वन अपॉन एन, इतना तो अब अपर लिमिट के लिए देखो एन माइनस वन अपॉन एन, ठीक है। लिमिट एन अप्रोचेज इन्फिनिटी वन माइनस वन अपॉन एन, अब लिमिट एन अप्रोचेज इन्फिनिटी करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा तो वन आएगा, ठीक है। अब आप देखो ये बन गया हमारे पास सिंपल इंटीग्रेशन का सवाल, कॉस पाई बाय टू क्या होता है, साइन पाई बाय टू एक्स अपॉन कोफिशियंट जो आएगा पाई बाय टू, अब लिमिट पुट कर दिया वन से जीरो। अब देखो साइन पाई बाय टू ऊपर लिख दो टू बटा पाई, ठीक है। फिर लोअर लिमिट पुट कर दिया, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तो क्या आया टू बाई पाई आया, ठीक है। तो इसका आंसर जो आपके पास आया ये टू बाई पाई, ये जो क्वेश्चन है ये आपका आईएसआई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। तो इतने आसानी से हमने इसके आंसर तक पहुंच गया। अगला क्वेश्चन देख लो, करके दिखाते हैं, ये ऐसे है। इसको देखो पहले समेशन के टर्म में लिखते हैं, तो समेशन ये देखो अंडर रूट आर अपॉन एन, ये देखो ऐसे करके लिख देता है वन से एन माइनस वन अपॉन एन। देखो ये वाला एन है वो ये एन है, ठीक है। और ये जो समेशन था ऊपर वाला ये आर के बराबर, और अंडर रूट एन ये नीचे वाला, ठीक है। अब इसको कन्वर्जन करो तो समेशन को इंटीग्रल कर दिए, वन अपॉन एन को डी एक्स कर दिए, अंडर रूट एक्स हो गया, ये डी एक्स हो गया, ठीक है। लोअर लिमिट आपको बोले थे वन अपॉन एन करेंगे तो लिमिट एन अप्रोचेज इन्फिनिटी, तो वन अपॉन एन और एन को इनफाइनाइट करोगे तो ये पूरा जीरो बन जाएगा, तो यहाँ जीरो आ गया। ऊपर लिमिट के लिए एन माइनस वन अपॉन एन, उसको अब गे पुट करो इक्वल टू वन माइनस वन अपॉन एन, यहाँ इन्फिनिटी पुट करोगे जीरो, तो टोटल वन बन गया। अब ये आ गया हमारे पास सिंपल इंटीग्रेशन, एक्स टू दी वन बाई टू है तो एक्स टू दी थ्री बाई टू अपॉन थ्री बाई टू, अब लिमिट पुट कर दो वन से जीरो, तो टू बाई थ्री वन टू दी पावर थ्री बाई टू माइनस जीरो, ये वन के बराबर, तो इसको फाइनली टू बाई थ्री आंसर आ गया, ठीक है। तो आप देखो इतने आसानी से हमने इसको सॉल्व कर लिया, आपको यह तरीका पता होना चाहिए, ठीक है।